मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूँ, लैंड तैयार है, आप चला दो। मनोहर लाल जी, अब पॉइंट्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूँ आज रात को। टॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है, 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा, आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे एक रुपया नहीं मांगूंगा। इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी के हमें इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार एक एक साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, सब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका, एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से, यह सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी, कोयला पेट्रोल ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल, जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं, मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां हैं। मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूं, लैंड तैयार है, आप चला दो। पर आप निश्चित रूप से, इसकी लागत 1,00,000 करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होगा। और अभी जो सवाई माधोपुर तक यहां से जो रास्ता है उसका तो आदरणीय सांसद भी यहां उपस्थित है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 महीने में प्रधानमंत्री का समय लेकर इसका उद्घाटन भी हम कर देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात जरूरी है कि मनोहर लाल जी ने और उनके सीबीएस सचिव ने मुझे अभी मांग की और वो यह है कि ये हाईवे जब बन जाएगा तो इसका पीसीयूस 50,000 के ऊपर जाने वाला है 1 साल के अंदर, और इसको दिल्ली जयपुर लिंक को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आप बोल रहे हो वैसे डबल डेकर एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा, और वो डिजाइन बनाकर हम लोग जब भी जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये पूरे सोना के रोड को ऐसा बना देंगे कि आपको निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई हाईवे में आप 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं, 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का, अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की, पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 1.5 रुपया लगता है। इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिक के व्हीकल आ रहे हैं, मैं जब कहता था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा, अब सब हट गया। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी के हमें इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार एक एक साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप हरियाणा में एक निर्णय कर दीजिए कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, सब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका, एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपए किलोमीटर खर्चा है और हमारे एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 रुपए पर किलोमीटर है। तो आपका 25% बस का रेट कम करा दो और हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, और आपको बताता हूं आपको फायदा ही फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, ये मैं बता रहा हूं। और इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुआत करिए। दूसरी बात, आपने ट्रॉली बस की है, ट्रॉली बस यानी ट्राम है जो टायर पर चलती है, जो केबल लगाकर चलती है, आप मुझे प्रस्ताव भेज दो,
अब आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे जनरल वीके सिंह साहब के गाजियाबाद और नागपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। आप भी भेज दो, मैं ट्रॉली बस चला दूंगा, उसका टिकट 41 रुपए से भी 30 रुपए किलोमीटर आएगा, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है और सब बसेस एयर कंडीशन होगी। और मेरा यह प्रयास है, जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बातचीत कर चुका हूं, कि जहां से आप इस रोड पर आए, यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक, अब मैं लॉन्च कर रहा हूं, 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का, अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की, पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपए 1.5 रुपए लगता है। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है और पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करता है, इलेक्ट्रिक प्रदूषण नहीं करता। मैंने तो तय कर दिया है कि मैं अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं, अब इथेनॉल के गाड़ी में बैठता हूं। और मेरे घर पर शायद आपको मैंने दिखाया, ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाल पर चलने वाली गाड़ी में बैठता हूं, जिसमें मैं हरियाणा को आपको कहूंगा कि हमारे किसान जो है वो देश के लिए अन्नदाता है। पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी, आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी किसान हूं, अब ये गेहूं चावल लगा के किसान का भला नहीं होने वाला है। अब किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय ऊर्जादाता बनाइए। ये किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है, एक कुएं से पानी निकलेगा, पंप से पानी शुद्ध होगा, और 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर ब्रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो 62 रुपए लीटर है, वो जनरेटर सेट में यूज होगा और उससे उस ग्रीन हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस किया जाएगा और रोड पर अपना वो गैस स्टेशन डालेगा, जिसमें बस कार ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, ना प्रदूषण होगा। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से, ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी, कोयला पेट्रोल ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल, जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं, मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां है और आपको सिद्ध करके दूंगा, मैं 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सब बैठे हुए लोगों से, अब टोयोटो का, हुंडई का, सुजुकी का सब गाड़ियां अगले महीने आ रही है, अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है, 1 टन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है। हरियाणा में आपने भी 10-20-25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो, टीवीएस बजाज और हीरो सबकी स्कूटर ऑटो रिक्शा पेट्रोल पे नहीं इथेनॉल पे चलेगी। वो जो परली है आपकी, 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी और बायो सीएनजी तैयार होता है और उस परली से मेरा ट्रैक्टर चलता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में परली को जलाओ मत। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, आपको पता होगा कि वो परली खरीद रहे हैं और उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब ये 50 लाख टन बिटुमिन देश में, हमारे देश में तैयार होता है और 30 लाख बिटुमिन हम बाहर से लाते हैं। मैंने इंडियन ऑयल को मैंडेट दिया है कि हमारे किसानों की परली का उपयोग करो जो जला रहे, जिससे प्रदूषण हो रहा, पूरा बिटुमेन बनाओ, आप जितना बनाओगे उतना बिटुमेन एनएचए खरीदी करेगा और परली के कारण हमारे किसानों को 2000 रुपए टन के रुपए से उसको कीमत मिलेगी। और एक ही बात मैं आपसे मांग करूंगा कि ये इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, नया पायलट प्रोजेक्ट है, तो जीएसटी को जो हरियाणा का हिस्सा है उसको एग्जम्प्ट करो, वो नेशनल लॉस है, क्योंकि अगर ये बनेगा ही नहीं तो तुमको कौन लॉस देने वाला है। और दूसरी बात, बिजली का दर, शुरुआत के समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 1-5 साल के लिए 3 रुपए और 5 साल के बाद 4-4.5 रुपए कर दो, 10 साल के लिए दे दो, मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से
केवल ये रोड की बसेस नहीं, मनोहर लाल जी अब पॉन्ड्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को। टॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है, 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा, आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे एक रुपया नहीं मांगूंगा। ये दो बातें अगर, ये नोशनल लॉस ही है और थोड़ा पावर का सपोर्ट आपका मिल जाएगा, तो मैं हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा, जिससे हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मेरी कल्पना है कि नरीमन पॉइंट से निकलकर गुड़गांव तक 12.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 12.5 घंटे में, और ये अगर हो जाएगा तो देश के इतिहास में ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे लिए ग्रोथ इंजन बन जाएगा।